सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्करों के पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की स्मैक हुई बरामद। 1150 ग्राम स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए। आरोपियों से 13 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 3 अवैध तमंचे, 315 बोर और जिंदा कारतूस सहित 58,500 रुपए नकदी बरामद। बिजनौर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा। जंगल में चोरी छिपे बनाई जा रही थी जहरीली शराब। पुलिस ने 1,250 लीटर लहन, 45 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ शराब माफिया को पकड़ा। थाना नगीना देहात के केंचो वाली इलाके का मामला। यूपी के हमीरपुर में रिश्ते हुए शर्मसार। भाई ने अपने भाई की गला दबाकर शव को कुएं में फेंका। 1 महीने तक पुलिस को करता रहा गुमराह। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के अपनी भाभी से थे अवैध संबंध। एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े 8.5 लाख की लूट से मचा हड़कंप। 4 बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। रेडियन कैश मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हिमांशु दुबे से हुई थी लूट। ई कॉम एक्सप्रेस के ऑफिस से कैश लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था हिमांशु, असलाधारियों ने किया घायल। कैश लूटकर फरार हुए आरोपी। मथुरा में बहन के साथ देवरानी के विवाद की सूचना पर पहुंचे भाई की गोली मारकर हत्या। जीजा का भाई अवैध हथियार से गोली मारकर मौके से फरार। गोली लगने से साले जयप्रकाश की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनूपट्टी ग्राम पंचायत के नगला मांढा चौथैया की घटना। गोरखपुर के डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक के खिलाफ दर्ज की FIR। मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर की सुरक्षा बढ़ाई। सुल्तानपुर दौरे के तीसरे दिन सांसद मेनका गांधी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिढक्कूपुर गांव में मेहंदी उपवन की स्थापना की। महिलाओं के साथ किया पौधारोपण। जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का किया निस्तारण। हरिद्वार में 2021 में हुए कुंभ मेले में कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में गठित SIT ने की बड़ी कार्रवाई। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी के पार्टनर शरद पंत और मल्लिका पंत को किया गिरफ्तार। देर रात छापेमारी कर नोएडा आवास से किया अरेस्ट। बाराबंकी जिले में रेल इंजन से डीजल चोरी करने का बड़ा खुलासा। RPF इंस्पेक्टर आलोक कुमार ने टीम के सक्रिय स्टाफ के साथ किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर 8 चोरों को पकड़ा। पुलिस ने 30 गैलन में 22 गैलन डीजल भरे हुए किए बरामद। श्रावस्ती में धान के खेत से निकला विशालकाय अजगर। खेतों में धान काट रहे किसानों में मचा हड़कंप। डायल 112 और बाइक PRV ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों से बचाई अजगर की जान। किसानों ने ली राहत की सांस। नैनीताल के झील में गिरे युवक की तलाश जारी। SDRF की गोताखोर टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। SDRF के जवानों ने ठंडी सड़क से झील के अंदर ली तलाशी। शनि मंदिर के पास बेंच से मिला युवक का बैग। मल्लीताल पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। शव की तलाश अब भी जारी। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हुए बाबा केदार। आज से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू हुई बाबा केदार की पूजा अर्चना। 6 माह तक अब यहीं पर भक्तों को दर्शन देंगे बाबा केदार।